उसके बाद वहाँ पर धोबी और शीना आते हैं और फिर धोबी को देखकर भुवन भागते हुए धोबी के पास जाता है। धोबी कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए था। भुवन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तभी उसे हार्ट में थोड़ा पेन फील होता है। तो धोबी उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ठीक हो, लेकिन अभी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तो भुवन उसे कहता है कि मुझे घर ले चलो, वरना यहाँ पर ये सभी लोग मुझे परेशान कर देंगे, वरना यहाँ पर बाहर जो लोग खड़े हुए हैं वो मुझे परेशान कर देंगे। तो धोबी कहते हैं लेकिन अभी तुम्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो भुवन कहता है कि तुम मेरे साथ हो, इससे बेहतर ट्रीटमेंट मेरे लिए क्या हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम धोबी के ऑफिस के एम्प्लॉयज को देखते हैं जिन्हें की भुवन के कंडीशन के बारे में पता चल चुका होता है और वो भुवन के लिए रो रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर शीना आती है और उन्हें बताती है कि अब भुवन बिल्कुल ठीक है, और ये सुनकर वो काफी खुश होते हैं और फिर उनके आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं। फिर हम डेगियों को देखते हैं और उसके पास किलर का मैसेज आता है और उसे बताता है कि भुवन ने मेरा फेस देख लिया और अब वो मुझे मारने के लिए आने वाला है। और यहाँ हमें श्योर होता है कि किलर का बॉस डेग्योंग है और ये सब कुछ डेग्योंग ही करवा रहा होता है। और फिर हम किलर को देखते हैं जो कि बिल्कुल साइको की तरह हरकतें कर रहा होता है और वहाँ पर छुपकर बैठा होता है कि अब भुवन उसे मारने के लिए आने वाला है। फिर हम भुवन और धोबी को देखते हैं जो कि घर पर होते हैं और दोनों साथ में एक बेड पर होते हैं। भुवन ने धोबी की कलाई पकड़ी हुई होती है चार्ज होने के लिए, लेकिन वो धोबी को कहता है कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। धोबी कहते हैं कि हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो भुवन कहता है कि क्या मैं तुम्हें गले लगाकर ट्राई करूं, इससे हम दोनों थोड़ा क्लोजली कॉन्टेक्ट में रहेंगे। धोबी कहती है वैसे सजेशन अच्छा है। उसके बाद भुवन धोबी को हक कर लेता है। धोबी उसे कहते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। भुवन कहता है कि मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। तो धोबी उसे कहते हैं कि तुम्हें चार्ज करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और फिर सुबह होती है तो धोबी अपनी आंखें खोलती है और वो भुवन के फेस को टच करने लगती है, लेकिन तभी उसे गायन की कहीं हुई बात याद आती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और तभी भुवन भी उठ जाता है और वो धोबी को कहता है कि क्या तुम उठ गई। धोबी कहता है कि हाँ। भुवन कहता है कि चलो हम उस किलर को पकड़ने के लिए चलते हैं और अब तो मुझे उसका फेस भी पता चल चुका है, हालांकि मैंने उसका हाफ फेस ही देखा है। धोबी कहती है कि पहले तुम्हारी रिकवरी है उसके बाद रिवेंज है, अभी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। भुवन कहता है कि नहीं पहले मेरे लिए रिवेंज है। फिर धोबी कहते हैं कि नहीं और उसे बेड पर लेटा देते हैं। फिर भुवन उसे कहता है कि वैसे मुझे अब सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है। तो धोबी उसे कहते हैं कि जब तुम फुली चार्ज हो जाओगे तब पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। और फिर भुवन धोबी की तरफ देखकर उसके बालों को पीछे करने लगता है, लेकिन तभी धोबी कहती है कि मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन भुवन उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम आज की छुट्टी नहीं ले सकती। धोबी कहते हैं कि नहीं। भुवन कहता है कि तुम तो सीओ हो ना, तुम तो छुट्टी ले सकते हो। और फिर वो धोबी को हकड़ लेता है और कहता है कि मुझे 5 मिनट के लिए और चार्ज होने दो। हम पार्क और शिन को धोबी के घर के बाहर देखते हैं और पार्क शिन से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि हमें अपने गिले शिकवे खत्म कर लेने चाहिए और मैं भूल चुका हूँ कि तुमने कभी मुझे ऑफिस में मारा भी था। शिन कहती है कि हमारी तो कोई फाइट ही नहीं हुई है, तो हमें गिले शिकवे दूर करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम धोबी को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है। भुवन उसे कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन धोबी कहते हैं कि नहीं तुम घर पर रहकर ही रेस्ट करोगे। और तभी वहाँ पर पार्क और शिन भी आ जाते हैं। भुवन धोबी को कहता है कि देखो किलर ने मेरी क्या हालत की है और वो तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकता है। धोबी कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए किसी और को बॉडीगार्ड रख लूंगी। तब भुवन कहता है कि नहीं मुझे किसी और के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो धोबी का हाथ पकड़ कर उसे वहाँ से लेके जाने लगता है, लेकिन पार्क उसका रास्ता रोकने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भुवन कहता है कि तुम्हें राइट किसने दिया मुझे रोकने के लिए। तो पार्क कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। भुवन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फायर करता हूँ। तो ये देखकर शिन कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। और शिन का आइडिया ये होता है कि शिन उन तीनों को ही अपने साथ ऑफिस जाने के लिए लेकर निकल पड़ती है और धोबी और भुवन पीछे बैठे होते हैं और धोबी भुवन को अपनी कलाई पकड़ा देती है और कहती है कि तुम्हें हर टाइम चार्ज होने की ज़रूरत है। भुवन कहता है लेकिन तुमने तो कहा था ना कि दूसरों के सामने मैं तुम्हारी कलाई नहीं पकड़ सकता। धोबी कहती है कि हाँ लेकिन अब तो हम ऑफिशियली मैरिड है ना। और ये सुनकर भुवन काफ़ी खुश होता है। फिर हम उसे रिपोर्टर को देखते हैं जिसने कि धोबी के अगेंस्ट गलत आर्टिकल पोस्ट किया था और वो सभी से इसके लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि धोबी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने इसे पैसों के लिए किया था। और फिर धोबी और बाकी सभी ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भुवन को वेलकम करने के लिए वो वहाँ पर कुछ चलाते हैं जिससे कि भुवन डर जाता है और वो धोबी को हक कर लेता है। और फिर वो धोबी को कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहीं हम देखते हैं कि पार्क तो डर के मारे शिन की गोद में लटक जाता है। ये देखकर शिन उसे नीचे फेंक देती है। फिर वो सभी साथ में मीटिंग कर रहे होते हैं और धोबी का एम्प्लॉय उसे कहता है कि कोई आपको चेयरवुमैन बनने से रोकना चाहता है और उसी वजह से ही आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। अभी वो भुवन को थैंक यू कहते हैं कि आपने हमारी मैम को अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा है, इसके लिए भुवन स्माइल करता है। फिर वो भुवन को कहता है कि हमने आपके लिए केक भी प्रिपेयर किया है। उसके बाद भुवन केक कैंडल सर्व करने लगता है और एम्प्लॉयज वहाँ पर कुछ सजावटी सामान फेंक देते हैं और उनमें आग लग जाती है। और ये देखकर भुवन को अपना वही नाइटमेयर याद आने लगता है जो वो चारों तरफ से आग से घिरा होता है और वो काफी घबरा जाता है। फिर पार्क से बाहर लेकर आता है और वो भुवन को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना।
तो गुवोन कहता है कि हाँ मैं एक डेमन हूँ, मुझे क्या हो सकता है। पार्क कहता है कि तुम एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हो, इस टाइम तुम काफी घबराए हुए लग रहे हो। गुवोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहाँ से जाने लगता है तो पार्क कहता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं दोही को बता दूंगा कि तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है। गुवोन कहता है कि ऐसा मत करना, मैं तुम्हें बताता हूँ, और वो उसे अपने उसी ड्रीम के बारे में बता देता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस में गायंग आ जाते हैं और वहाँ पर गुवोन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी गुवोन यहाँ पर नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं दोही से बात करना चाहती हूँ। फिर गायंग दोही से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें गुवोन का इस तरह से फायदा नहीं उठाना चाहिए, तुम्हें उसे फ्री छोड़ देना चाहिए। दोही कहते हैं लेकिन इस टाइम हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। गायंग कहते हैं कि उसे तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि तुम्हें उसकी जरूरत है, और तुमने उसे टैटू के लिए धमकाया था ना, तुमने देखा नहीं तुम्हारी वजह से उसकी क्या हालत हो गई है, और कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इसमें गुवोन को क्यों घसीट रही हो, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद ही डील करना चाहिए। तभी ऑफिस के अंदर गुवोन आता है और गायंग भी रूम से बाहर आते हैं और वो गुवोन को देखकर हक कर लेती है और कहते हैं कि तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और दो ही उन दोनों को अंदर से देख रही होती है। उसके बाद गायंग गुवोन से अकेले में बात करती है और उसे कहती है मुझे पता चला है कि तुम्हारी पावर्स काफी वीक हो गई है। गुवोन कहता है कि हाँ लेकिन तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तो गायंग कहती है कि तुम्हारी पावर्स दोही की वजह से वीक हुई है ना, तो गुवोन कहता है इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम इस मामले से दूरी रहो। तो गायंग उसे कहते हैं कि क्या अब दोही तुम्हारे लिए स्पेशल है, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए अलग से जगह है। इस पर गुवोन चुप हो जाता है। गायंग उसे कहती है कि तुम धीरे धीरे इंसान बनते जा रहे हो क्योंकि वीक होने की वजह से तुम भी इंसान के इमोशंस फील कर रहे हो, और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि तुम दोही को पसंद करने लगे हो, और अगर ऐसा है तो तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। उसके बाद पार्क बोगुन दोही और गुवोन को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तो गुवोन दोही को कहता है कि क्या गायंग ने तुमसे कुछ कहा है। दोही कहते हैं कि नहीं, उसने तो मुझे अपने शो पर इन्वाइट किया, और वो सेम क्वेश्चन गुवोन से कर दिया। गुवोन कहता है कि नहीं। फिर हम उन दोनों को रूम में देखते हैं और दोनों सोए हुए होते हैं, और तभी दोही उठकर बाहर आती है और वो अपनी दादी को कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं, मेरी वजह से लगभग गुवोन मरी गया था जबकि गुवोन का मेरी फाइट से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मैं गिव अप कर देती हूँ तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो वो अपनी दादी को इमेजिनेशन में देखने लगते हैं। उसकी दादी उसे कहती है कि तुम एक मरे हुए इंसान के बारे में मत सोचो, तुम्हें वही करना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो दोही कहती है लेकिन मैंने अपनी फैमिली खो दी है, मुझे ये भी नहीं पता कि आपको किसने मारा है, तो मैं गिव अप नहीं कर सकती। तो दादी कहती है लेकिन अब तुम्हारे पास न्यू फैमिली है और तुम्हें अपनी न्यू फैमिली के बारे में सोचना चाहिए और तुम्हें वही करना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट है। दोही कहती है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। दादी कहती है कि मेरे लिए वही बेस्ट है जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट है। उसके बाद दोही अंदर आती है और उस जोकुन को कॉल करके कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फिर सुबह होती है और गुवोन के हार्ट में पेन हो रही होती है, तो वो उसके लिए कुछ पेन किलर्स लेता है। तभी वहाँ पर दोही आती है और दोही को देखकर वो पेन किलर्स छुपा लेता है। दोही कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुमने पेन किलर्स लिए है। गुवोन कहता है कि नहीं, मुझे उनकी क्या जरूरत है जब तुम मुझे चार्ज कर रही हो। उसके बाद वो दोनों रेडी होकर ऑफिस आते हैं और तभी वहाँ पर डेग्योंग आता है। तो डेग्योंग गुवोन को कहता है मैंने न्यूज़ पर सुना था कि किसी ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। गुवोन कहता है कि तुम न्यूज़ की बातों के ऊपर ध्यान मत दो, न्यूज़ में तो कुछ भी कह देते हैं, न्यूज़ वाले ने तो इनोसेंट पर्सन को मर्डर बना दिया था, यानी कि वो दोही की बात कर रहा होता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। तो डेग्योंग पीछे से कह देता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि दोही के आसपास जो भी होगा सब मरने वाले हैं। इस पर वो दोनों रुकते हैं। गुवोन दोही को कहता है कि क्या मुझे इसका मुंह तोड़ देना चाहिए। दोही कहता है कि नहीं, तुम इसे इग्नोर करो। उसके बाद दोही मीटिंग में जाते हैं और वहाँ पर मैडम जो की फैमिली होती है, और उस मीटिंग में चेयरपर्सन किसे बनाया जाए उसे लेकर फिर से वोटिंग होने वाली थी, लेकिन वोटिंग स्टार्ट होने से पहले दोही कह देती है कि मैं विथड्रॉ करना चाहती हूँ, यानी कि वो चेयरपर्सन नहीं बनना चाहती। ये सुनकर गुवोन काफी चौंक जाता है और वो दोही को कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। दोही कहती है कि मीटिंग खत्म होने के बाद हम बात करते हैं, और वहीं से ओकमिन काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि अब वही चेयरपर्सन बनने वाला था। मीटिंग खत्म होने के बाद सोकमीन और सुहान दोही को कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम क्या प्लान कर रही हो। दोही कहती है कि मैं सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं फाइट नहीं चाहती, इसलिए मैं गिव अप कर रही हूँ। तो सोकमीन कहता है कि तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया। फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोही भी घर जाने लगते हैं, लेकिन गुवोन उसे रोककर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। दोही कहती है क्योंकि मैं सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं हर टाइम डर में नहीं रहना चाहती, डर की वजह से मैं अपने घर से कहीं बाहर भी नहीं आ सकती, अब मैंने गिव अप कर दिया तो उनके पास कोई भी रीजन नहीं है मुझे मारने का। गुवोन कहता है मुझे पता है कि तुम झूठ कह रही हो, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि क्या बात है। तो दोही उसे कह देती है मुझे अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि तुम बहुत वीक हो चुके हो, तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो तुम मुझे तो क्या ही प्रोटेक्ट करोगे। हालांकि दोही ने ये सब कुछ गुवोन को इस मामले से दूर रखने के लिए ही कहा होता है। ये बोलकर दोही वहाँ से चली जाती है, और वहीं गुवोन को हार्ट में काफ़ी पेन होने लगता है और डेग्योंग ऊपर से गुवोन को देख रहा होता है। फिर हम किलर को देखते हैं जो कि टेबल के नीचे छुपा होता है, उसके हाथ में सीजर होती है और कह रहा होता है कि आखिर गुवोन अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। और तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें किलर को बताया जाता है कि गुवोन की पावर्स वीक हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम डेग्योंग
सियो क्वीन, नूसुआन और किमसेरा को देखते हैं जो कि साथ में खाना खा रहे होते हैं और साथ ही वो कह रहे होते हैं क्या किरदोई ने ऐसा क्यों किया, क्या वो कुछ प्लान कर रही है क्योंकि वो इतनी आसानी से गिव अप तो नहीं कर सकती। डेयुंग कहता है कि शायद उसने डर के मारे गिव अप कर दिया होगा क्योंकि उसके बॉडीगार्ड के ऊपर भी अटैक हुआ था। तो सियो क्वीन कहता है कि चाहे कोई भी रीजन हो लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तो किमसेरा उसे कॉन्ग्रेचुलेट विश करते हैं। तो डेयुंग कह देता है कि अभी पापा चेयरमैन नहीं बने हैं तो इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वहां से जाने लगता है लेकिन सियो क्वीन गुस्से में डेयुंग के ऊपर चिल्लाकर कहता है कि चुपचाप बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। तो डेयुंग बैठ जाता है। फिर हम गुवान को देखते हैं जो कि दोई की कई हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है और वहीं दो ही गायंग और डेयुंग की कई हुई बातों के बारे में सोच रही होती है। फिर हम सियोकुन को देखते हैं, तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर दोई ने सियोकुन को पहले ही बता दिया था कि वो गिव अप करने वाली है, ऐसा करने से सभी खुश रहने वाले हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो सियोकुन कहता है कि क्या तुम ये सब कुछ गुवान की वजह से कर रही हो कि उसे हर्ट ना हो। तो दोई कहती है कि मैंने जिन्हें भी प्यार किया है सभी मुझे छोड़कर चले गए हैं और अब मैं किसी को खोना नहीं चाहती। वही रियलिटी में गुवान सियोकुन के पास जाता है और उससे पूछता है कि दोही ने ऐसा क्यों किया, उसने तुम्हें तो सब कुछ बताया होगा ना। सियोकुन कहता है कि अगर तुम जानना ही चाहते हो तो खुद उससे पूछ लो। गुवान कहता है कि वो मुझे नहीं बताएगी। सियोकुन कहता है तुमने मुझे एक बार कहा था ना कि बातें छुपाने के पीछे दोही के अपने रीजन होंगे। इस पर गुवान को गुस्सा आता है और वो सियोकुन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो मैडम जो के किलर को ढूंढना चाहती है। तो सियोकुन भी चिल्लाकर कहता है कि हाँ मुझे पता है और वो अपने पेरेंट्स के डेथ का गुनहगार खुद को मानती है और यहाँ तक कि मैडम जू के डेथ का गुनहगार भी। और उसने गिव अप इसलिए किया है क्योंकि अब वह तुम्हें नहीं खोना चाहती, वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। ये सुनकर गुवान दोही के घर जाता है और वह दोही को ढूंढने लगता है लेकिन दोही वहाँ पर नहीं होती। और फिर वो दोही को कॉल करता है लेकिन दोही का फोन घर पर ही होता है और गुवान देखता है कि दोही ने उसका नंबर गुवान द सेवियर के नाम से सेव किया होता है। वहीं हम दोही को देखते हैं जो कि मैडम जू के प्लांट्स के पास आई हुई होती है और वो मैडम जू को कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो और तभी वहां पर गुवान आ जाता है और गुवान उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी वजह से गिव अप किया है तो वापस चलो, तुम्हें फाइट करनी है। दोही कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुवान कहता है कि तुम वही करो जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट है और मेरे लिए भी वही बेस्ट है जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो इस पर दो ही इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने जिससे भी प्यार किया है वो सभी मुझे छोड़कर जा चुके हैं और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी मर जाओगे। गुवान कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और वो दोही के पास आता है और उसे किस कर लेता है और दोही भी उसकी किस को एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।